एक ऐसे मंदिर लेके चलता हूँ आपको जहाँ पे बच्चों का वन डे पिकनिक भी हो जाएगा, टॉय ट्रेन भी चलती है, समुंदर के ऊपर पुल बना है उसके ऊपर, जंगल जैसा माहौल भी मिलेगा, बंदर भी मिलेंगे, वन डे पिकनिक भी हो जाएगा। मंदिर है सदाशिव का, सदाशिव जिन्हें रुद्र भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्र में से उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ इस मंदिर की मूर्तियाँ मानव निर्मित नहीं कही जाती हैं हिंदू शास्त्र के हिसाब से। समुद्र में आधा घंटा पार करके एक टापू है, वहाँ पे जाना पड़ता है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। पहले गेटवे ऑफ इंडिया जाइए, वहाँ पे ताज होटल बाहर से देखिए और फिर 12 किलोमीटर समुद्र से जाना पड़ेगा आपको। 8000 स्क्वेयर फीट में फैला हुआ ये मंदिर। यहाँ पे कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाएं शंकर की हैं और 2 बुद्ध गुफा हैं। 9 मूर्तियां हैं यहाँ पर भगवान शिव की। मेन मूर्ति है सदाशिव की, जिसे महेश भी कहा जाता है। गुफा में 24 पिलर हैं और यह मूर्ति 23 फुट लंबी है। 3 मुख वाली शिव की मूर्ति है यहाँ पर सबसे आकर्षक। और भी मूर्तियाँ हैं, जैसे अर्धनारेश्वर, जटाओं से गंगा जी की निकल रही हैं वो मूर्ति है, पंचमुखी परमेश्वर, भैरव जी की मूर्ति है, नटराज जी की मूर्ति है। दक्षिण शैली में बनी हैं ये मूर्तियाँ। शिव पार्वती के विवाह की भी मूर्तियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मंदिर है विश्व विरासत यानी यूनेस्को साइट में, जिन्हें गवर्नमेंट को देखभाल करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि बानासुर राक्षस भी यहाँ पर रह चुका है। यहाँ की खंडित मूर्तियाँ देखकर तो आप अनुमान लगा ही लेंगे कि मूर्तियाँ कैसे टूटी होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर है घरापुरी गुफाओं में, इसे एलिफेंटा केव्स के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन हिंदू नाम था घरापुरी गुफाएं और पोर्चुगीज ने इन्हें नाम दिया एलिफेंटा केव्स, क्योंकि यहाँ पे हाथी की एक विशाल मूर्ति थी। तो हर हर महादेव।